Do you want to know the best but cheapest art supplies which I used to create these fabulous drawings? Hey, I am pawan nath. So today I am going to tell you the best art supplies which you can get in cheapest price. So keep watching video till the end, and for more drawing updates like this, please subscribe to my channel and press the bell icon also. So let's get started. तो पेंसिल से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो मैंने पेंसिल्स यूज की थी वो थी अप्सरा की पेंसिल्स. तो ये बेसिक सेट्स में अलग अलग सेट्स में मैंने खरीदी थी. उसके बाद मैंने यूज की फेबर कैस्टल की पेंसिल्स. तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये पेंसिल्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं. इसमें सारे सेट्स अवेलेबल हैं और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है. ये 45 रुपीज़ में ही पूरा सेट है. और मेरे पास एक पेंसिल का स्केचिंग पेंसिल का ये भी सेट है. इसमें 2S से लेकर 8B तक सारे सेट्स हैं. ये अराउंड 200 का था पर मैंने इसका भी यूज़ नहीं किया है. ये सारे न्यू हैं अभी. तो उसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल से स्टार्ट किया. तो सबसे पहले जो मैंने चारकोल पेंसिल्स यूज की थी वो ये थी. पूरा चारकोल सेट खरीदा था मैंने. ये अराउंड 1000 का था. दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या. तो इसमें है चारकोल पेंसिल्स, इरेजर, नीडेड इरेजर, चारकोल स्टिक्स और ग्रेफाइट पेंसिल्स. ये चारकोल स्टिक्स मैंने बहुत सारी यूज किए हैं हेयर्स ड्रॉ करने में, या अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड एक साथ डार्क करना है तो उसमें यूज होता है. तो ये अच्छा इसका यूज मैंने बहुत सारी ड्राॅइंग्स में किया है. देन जो आजकल मैं चारकोल पेंसिल्स यूज कर रहा हूँ वो हैं बियॉन यू की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स हैं. तो ये अराउंड 500 का था और इसमें बार पेंसिल्स थी. तो दीज आर द पेंसिल्स. तो ये पेंसिल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं तो ईजीली ब्लेंड हो जाती हैं. और सबसे रिसेंटली मैंने स्टेडलर की ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल्स खरीदी हैं. बहुत कॉस्टली पेंसिल हैं ये केवल 12 पेंसिल्स थी, 1000 के अराउंड की हैं. ये मैंने सबसे डार्क शेड में ख़रीदी हैं. ये सारी पेंसिल्स ही 8B की हैं. तो आईज़ ड्रॉ करने के लिए या हेयर्स ड्रॉ करने के लिए अच्छी हैं, बट इसकी जगह आप चारकोल पेंसिल्स का भी यूज करती हैं कर सकते हैं. सो दीज आर द पेंसिल्स जो मैं यूज करता हूँ. इसके अलावा मेरे पास एक वाइट चारकोल पेंसिल्स का सेट भी है. ये भी बियॉन यू का है. इस पेंसिल सेट में सारी वाइट चारकोल पेंसिल्स ही हैं. वैसे ये सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल्स हैं. इनका मैंने अभी ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है पर अगर आप ब्लैक पेज में ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पेंसिल्स अच्छी हैं. सो दीज आर द पेंसिल्स विच आई एम यूजिंग. तो अब बात करते हैं कौन से पेपर जो है ड्राइंग के लिए बेस्ट हैं. तो ड्राइंग के लिए जो सबसे बेस्ट पेपर हैं वो हैं आइवरी सीड्स. तो ये मैंने अमेजोन से बाई किया था. इसकी कॉस्ट बहुत कम है. तो ये 25 सीड्स ओनली 75 में अवेलेबल हैं. ये हैं 210 GSM के. तो ये काफ़ी मोटे और स्मूथ पेजेस हैं और कोई भी ड्राइंग के लिए सबसे बेस्ट पेजेस हैं. तो अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको यही पेजेस रिकमेंड करूँगा. तो ये सबसे बेस्ट हैं. इसके अलावा मैं अधिकतर ड्राइंग्स अपनी तो स्केच बुक में करता हूँ. जैसे मेरे पास एक ये वाली स्केच बुक है, मेरी मैक्सिमम ड्राइंग इसी स्केच बुक में है. तो मैं आपको इस स्केच बुक का टूर करवाऊँगा कभी. तो इस स्केच बुक में मैंने अधिकतर ड्राइंग्स की हैं. ये 140 GSM की है और अराउंड 200 या 300 तक की थी. इसके अलावा भी मैं और भी स्केच बुक्स यूज कर रहा हूँ. तो इसके अलावा मैं ये वाली स्केच बुक्स यूज करता हूँ. ये मैंने लोकल शॉप से परचेज की थी. ये 60 to 70 के अराउंड के हैं. तो इसके पेजेस ज़्यादा हाई क्वालिटी के तो नहीं हैं बट इनमें शेडिंग अच्छी होती है. तो इसमें मैंने बहुत सारी ड्राॅइंग्स बनाई हैं. तो मेरी लगभग सारी पुरानी ड्राइंग्स इन्हीं स्केच बुक्स में हैं लाइक दिस. इसके अलावा जो मैंने लेटेस्ट स्केच बुक खरीदी है वो है सबसे बड़े साइज में A3. तो ये बहुत बड़ी स्केच बुक है. ये मैंने अभी लेटेस्ट ही खरीदी है. इसमें मैंने एक ही ड्राइंग बनाई है, उसका वीडियो मैंने अपलोड तो नहीं किया है. सो दीज आर द पेजेस और ये बहुत अच्छी है. इसके पेजेस भी काफ़ी मोटे हैं. तो ये मैंने इसमें एक ड्राइंग बनाई है. सो दीज आर द स्केच बुक विच आई एम यूजिंग. तो इसके अलावा मैं आपको बाकी के टूल्स भी दिखाता हूँ जो मैं आजकल यूज करता हूँ अपनी ड्राॅइंग्स में. सो दीज आर वाइट जेल पेंस जो आप
हाइलाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और शेडिंग्स के लिए मैं जो टूल्स यूज करता हूँ वो हैं, तो सबसे ज़्यादा शेडिंग्स के लिए मैं यूज करता हूँ ब्रशेज, तो नॉर्मली मैं फ्लैट ब्रश यूज करता हूँ, तो इनसे बहुत अच्छी स्मूथ शेडिंग होती है। इसके अलावा मैं ब्लेंडिंग स्टोन्स यूज करता हूँ, दीज आर सम ब्लेंडिंग स्टोन्स, और मैं कॉटन ईयरबड्स भी यूज करता हूँ शेडिंग्स के लिए, इनसे भी स्मूथ शेडिंग होती है। इसके अलावा मैं क्लोथ्स भी यूज करता हूँ शेडिंग्स के लिए, और मैं यूज करता हूँ अपनी ड्राइंग को प्रिजर्व रखने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे, कैमलिन का फिक्सेटिव स्प्रे है, ये 250 के राउंड का आता है। सो अगर आप अपनी ड्राइंग्स को लंबे समय के लिए सेफ रखना चाहते हैं या उसे फैलने नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इरेजर्स में मैं यूज करता हूँ एक ये पेंसिल इरेजर्स और मोनो जीरो इरेजर्स, जिसकी ये रिफिल है। तो इसके अलावा बाकी रेगुलर इरेजर्स और एक इलेक्ट्रिक इरेजर्स भी है, तो डिफरेंट टाइप के इरेजर्स यूज करता हूँ मैं। सो दीज वर माई ड्राइंग सप्लाइज, जो कि आपको बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।